क्या बात है नन्ही दोस्तों, तुम्हें अभी भी अपने दोस्त मोगली से डर लग रहा है? मोगली, बलू की क्लास शुरू होने वाली है। हाँ हाँ, होने दो। तुम नहीं जाओगे तो बलू किसे पढ़ाएगा? बगीरा, आज लेसन लेने का मन नहीं है। क्यों ना तुम बलू की क्लास ले लो, उसे एक मुश्किल सा सवाल पूछ लो, ऐसा सवाल जिसका वो घंटों सोचने पर भी जवाब ना दे पाए, और जब वो जवाब सोचने में खोया होगा तुम खेलने निकल जाना। ओए होए, क्या आइडिया दिया है बगीरा। देखो मोगली, इस बात में कोई दो राय नहीं कि इंसान दुनिया का सबसे अकलमंद जीव है। कब पूछोगे मोगली? एक सवाल पूछूं बलू? बोलो। ये बताओ, नारियल के पेड़ में आज तक कुल मिलाकर कितने नारियल लगे होंगे? 200। हाँ? शायद ये आसान था मोगली। बलू, सबसे लंबे मेल जिराफ की हाइट कितनी होगी? 6 मीटर या 20 फुट, अब तुम जिसमें भी नापना चाहो। अरे यार, कोई मुश्किल सा सवाल पूछो ना। अच्छा अब ये बताओ, एक पाइथन एक बार में कितने बंदर निकल सकता है? ये जबरदस्त सवाल पूछा तुमने। बहुत खूब। देखो, आम तौर पे एक पाइथन 5 मीटर लंबा होता है और एक बंदर की ऊंचाई तकरीबन आधा मीटर होती है, तो अंदाजा लगा लो कि ताकि यहाँ से खिसकने का बहाना मिले। क्यों ना इस सवाल का जवाब मैं खुद ढूंढ कर आऊं बलू। क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम अपने इस सवाल का जवाब ढूंढने कहाँ जाओगे मोगली? अब मैं जिस पाइथन को जानता हूँ उसी से पूछूंगा ना। हाँ, अब अगर मैं दरियाई घोड़े का हिसाब लगाऊं तो उसके पेट में 6 बंदर आराम से आ जाते हैं, और एक पाइथन के पेट में 6 बंदर। का पर मेरी मॉर्निंग गुड नहीं है। ओ, समझ सकता हूँ, केचुली बदलने में दर्द होता होगा ना। खुजली कर करके खुजुमल बन गया हो। कब बंद होगी ये खुजली? का पता है तुम बिजी हो, पर ये बताओ एक बार में कोई पाइथन कितने बंदर निकल सकता है? खुजली से कम परेशान हो जो तू चला आया इंसानी बच्चे। ओ, बता भी दो का, तुम एक पाइथन हो, तुम्हें तो पता होना चाहिए ना। मुझे तो सब कुछ पता है समझे, बस अभी फालतू की बात करने का मूड नहीं है। अगर जवाब दोगे तो मैं तुम्हारी खुजली कर सकता हूँ। दफा हो जा। का तो खुजली से परेशान था। वही तो, लगता है तुम गलत वक्त पर पहुँच गए। क्यों ना जंगल के बंदरों से ये सवाल पूछ लिया जाए। तुम्हें उन बंदरों के नजदीक जाने की जरूरत नहीं है मोगली। ओ, उनसे डरने की क्या जरूरत है, वो तो शेर खान के नाखून के बराबर भी खतरनाक नहीं है। वो बंदर बहुत ही शैतान है, वो तुम्हें किसी भी तरह परेशान करेंगे, मुझे नहीं लगता तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। ठीक है बगीरा, तुम जैसा कहो। तो ठीक है, मैं बलू के पास जाता हूँ। हाँ, उसी से पूछ लो मोगली। बाद में मिलते हैं बगीरा। मुश्किल सवाल है क्या? डार्जी, मुश्किल? मेरा तो सिर चकरा रहा है। मोगली कहाँ है? ओ, वो तो इसी सवाल का जवाब पूछने का से मिलने गया है, पर उसे गए काफी वक्त हो गया। का? वो तो आज केंचुले निकाल रहा है। सच में? फिर तो मुझे मोगली को ढूंढने जाना ही चाहिए। इंसानी बच्चा आ रहा है। खिंचाई करें उसकी। हाँ हाँ, पकड़ लेते हैं। बहुत दिनों बाद हाथ आया। मैं तो यहाँ से बगीरा सही कह रहा था, मुझे तुम बंदरों से दूर ही रहना चाहिए था। हमारे साथ आओ मोगली, तुम्हें कुछ दिखाना। अच्छा ये तो बता दो, एक बार में एक पाइथन कितने बंदरों को निकल सकता है? तो सुनो, तुम्हें तुम्हारे सवाल का सही जवाब मिलेगा इस कमरे में। अरे नहीं नहीं नहीं, मेरा सवाल इतना भी जरूरी नहीं कि मैं अंदर जाऊं। अगर तुम लोग नहीं बता सकते तो कोई बात नहीं, मैं अंदर जाऊंगा। एक बंदर इंसान से ज्यादा समझदार होता है। मुझे बाहर आने दो। तुम समझदार नहीं, तुम सब धोखेबाज बंदर हो। तमीज नाम की तो कोई चीज नहीं है तुम में।
इस इंसान के बच्चे को कितने दिन बंद रखना चाहिए? मेरे ख्याल से 2 दिन। अरे नहीं, इतने दिन नहीं, मैं तो बोर हो जाऊंगा। या हो सकता है इस मोगली की आवाज सुन के कान पक जाए। बंद हो गए बरखुरदार, वो भी अकेले। अच्छा मौका है शेर खान। आज सब मुझे ही परेशान क्यों कर रहे हैं? पहले मोगली आया, अब तुम आए। अच्छा तो मोगली आया था ना, तो तुमने उसे सवाल का जवाब दिया का? मोर नहीं था, इसीलिए भगा दिया उसे। ये तो बहुत गलत किया का, वो पूरे दिन से गायब है। तो मुझे क्यों बता रहे हो? मैं क्या उसकी माँ हूँ? सुनो बलू, मैंने अभी अभी बघीरा को पुराने खंडरों के पास देखा, वो भी मोगली को ढूंढ रहा था। अब देखना, कहेंगे सब मेरी गलती है। शेर खान कहां तक भागेगा चूसे, खाऊंगा तेरे सारे पुर्जे। कुछ तो सोचो, आखिर मोगली कहां जा सकता है बघीरा? उसने मुझसे कहा वो यहीं वापस आएगा। वो दिन भर से गायब है, आखिरी बार उसे का की गुफा में देखा गया था। हा? मुझे नहीं लगता वो वहां, कहीं उन्होंने उसे। किन्होंने? किसे? ये क्या बड़बड़ा रहे हो बघीरा? मोगली ने कहा था वो बंदरों से पूछेगा, और मैंने उसे जाने से मना भी किया था। अगर वो इंसानी बच्चा सच में उन बंदरों के इलाके में गया है तो उसकी मदद करनी होगी। पहले तो तुमने उसे धुतकार दिया था ना का? अब मदद चाहते हो या नहीं? तुम ही ये कर सकते हो का? तो अब समय बर्बाद मत करो। आज इन बंदर और शेर खान के बीच तो मैं बुरी तरह फंस गया। बस एक ही तरीका है, कोशिश करके देख मोगली। यहां तो कहीं नहीं दिख रहा, और ना ही वो बंदर। देखो शेर खान ने उसे कहां पहुंचा दिया। हेलो बंदरों, इस बार बचने के लिए न आग है न पानी। शुक्रिया का। मेरा खाना मेरे हवाले कर बदबूदार सांप। आगे बढ़ने से पहले मुझसे निपटना होगा, आ जाओ। मुझसे भी शेर खान, हर बार मेरे मंसूबों पर पानी फेर देते हो। वो दिन जरूर आएगा जब वो मेरा होगा। एक बार फिर तुमने मेरी जान बचाई दोस्तों। मैंने मना किया था ना मोगली। माफ करना बघीरा, अब पता चला तुम यहाँ आने के लिए मना क्यों कर रहे थे। तो बलू बताओ, मैंने तुमसे कौन सा सवाल पूछा था? वो तुमने पूछा था कि एक बार में पाइथन कितने बंदर निगल जाता है। जवाब है, पाइथन को जितनी भूख लगी होगी। आई। आई।
मोगली ये तो मैं खाऊंगी। खाने का इंतजाम हो गया। बहुत अच्छे, अब दूसरी टांग से करके दिखाओ। हंसना बंद करो और मेरी मदद करो वरना। आराम से, देखो तुम्हें नींद आ रही है। बूढ़े काको हिचकी आ रही है। माउगली। हे, तुम्हें मैं फूल दिखता हूँ क्या? आखिर बात क्या है का? सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मुझे लगातार हिचकियाँ। अभी मेरे हाथ से शिकार छूट गया और मुझे बहुत भूख लगी है। माफ करना का, पर हाँ मेरे पास कुछ तरकीबें हैं जिससे ये हिचकियाँ जा सकती हैं। आज तो का अच्छा कॉमेडी शो कर रहा है। मुझे लगता है हमें बलू से सलाह लेनी चाहिए। ओहो, अगर बलू बीच में टांग अड़ाएगा तो हमारा मजा चला जाएगा। ओहो, मुझे उसी की के पास जाना ही नहीं चाहिए था, पता नहीं क्यों गया। बलू तुम कुछ करते क्यों नहीं? मुझे लगा ही था। देखो ये एक अजगर की खतरनाक हिचकियाँ हो सकती हैं, बहुत खतरनाक, कभी कभी ये जिंदगी भर रहती हैं। ये तो बुरी बात है, इसकी वजह से मैं शिकार नहीं कर पा रहा। का तो भूख से ही मर जाएगा बलू, प्लीज इसे ठीक करने की कोई दवाई बताओ ना। हाँ, इसका एक इलाज तो मुझे पता है, पर पहले मुझे रिकी को ठीक करना होगा। तुम का के साथ थोड़ी देर वहाँ इंतजार करो। चलो शुक्र है तुमने मेरी तरफ ध्यान तो दिया। बलू, आराम से निकालो ना। मैं दिखाता हूँ, एक फूल है उसे ले आओ जो नीले रंग का है। लो इसे रख लो, ऐसे फूल तुम्हें ठंडी गुफा के पास मिलेंगे, जो अच्छे से खिला हो वो फूल ले आना। बलू को काम खराब करना ही था, हमें उन्हें रोकना होगा। चलो जल्दी। और मोगली, उस फूल को सीधे यहाँ ले आना, उसे फूलने मत देना वरना वो घातक साबित होगा। शुक्रिया बलू, चलो चलेगा। हाँ तो रिकी, तुम्हारी क्या दिक्कत है? मुझे क्या होगा, मैं तो पूरी तरह ठीक हूँ। जल्दी चलो का, हम बस पहुँचने ही वाले हैं। अब और नहीं चला जाता, मैंने कुछ नहीं खाया और ऊपर से ये हिचकियाँ बदन तोड़ रही हैं। मैं तुम्हें बचा लूंगा मोगली। अरे नहीं। तुमसे पहले तो इस पौधे को मैं ढूंढूंगी ताकि तुम्हारी ये हिचकी कभी ठीक ना हो सके। बाजी पलट गई, एक बार फिर माशा जीती। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम जाकर उस काको ठीक करने वाला फूल क्यों नहीं लाते? बलू 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 बलू, छोड़ दो। नीचे उतरो, मैं कहता हूँ नीचे उतरो। फिक्र मत करो का, वो फूल मेरे दिमाग में बैठ गया है,
मैं देखते उसे पहचान लूंगा। ये रहा, देखो। अरे नहीं, कहीं वो तो नहीं। यही तो है, देख क्या रहे हो, इन्हें तोड़ डालो, चलो। मेरे इलाके में कौन क्या तोड़ रहा है? तुम्हें यहाँ किसने बुलाया? तुम्हें कुछ सुनाई दिया का? वो माशा, चलो पकड़ते हैं उसे और बलू के फूल की तस्वीर वापस लेते हैं। मैं और अभी आगे नहीं जा सकता, तुम अकेले चले जाओ मोगली, मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार करता हूँ। यही है वो फूल। हेलो थू, वो मुझे वहां से एक फूल ले जाने दो ना, वही जो तुम्हारे पीछे लगे हैं। मैं तुम्हें नहीं ले जाने दूंगा। पर मैं इन्हें लेकर ही जाऊंगा। चोर कहेंगे, यहां से बचकर नहीं जाने दूंगा। वापस आओ। इसकी सजा मिलेगी तुम्हें। ये रहा फूल, मिल गया का। ये देखो, ये रहा का। देखो देखो, इसके पास फूल है। संभल के मोगली। ओहो, देखो तो कहां से कौन मिलने आया है। ये तो वही फूल है ना जिससे हिचकी ठीक होती है। इन्हें तो खाने का मन कर रहा है। ओ नहीं, ओ नहीं। एक फूल खाने से उसकी हिचकी ठीक थोड़ी ना होगी। अब से अजगर से डरना बंद। एक और बचा है रिकी। अगली बार भी याद करना रिकी। ओह मोगली, तो तुम्हें वो फूल मिला? मिला तो, पर ज्यादा नहीं। देखो सिर्फ एक ही हाथ लगा, उस बंदर या माशा ने सब खा लिए। माफ करना का, मैं नाकामयाब रहा। एक फूल काफी नहीं होगा ना बलू? ऐसा किसने कह दिया, मुझे बस एक ही फूल की जरूरत है। एक ही फूल का की हिचकियां ठीक कर देगा। तुम ठीक हो गए का? हाँ, एकदम फिट एंड फाइन हो गया। मेरी हिचकियां गायब हो गई, उनकी छुट्टी हो गई। ये हुई ना बात। तुम तो बेस्ट हो बलू। पर बलू, अगर किसी ने बिना हिचकी के ये फूल खा लिए तो उस खाने वाले का क्या होगा? ये समझ लो कि इन फूलों का खाने वाले पर ठीक उल्टा असर होगा। ओ